फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 CBSE इंग्लिश का न्यू सिलेबस, टर्म वाइज सिलेबस होगा ये। जी हाँ, आपको पता है कि CBSE ने सेशन 2022 के लिए न्यू सिलेबस जो है लॉन्च कर दिया है। तो अभी इस बार जो आपका पेपर होने वाला है वो टू टर्म में डिवाइड होगा, जो आपका सिलेबस होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म की बात करेगा इस, तो फर्स्ट टर्म आपका जो है टोटली MCQs बेस्ड होगा, जिसमें आपसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs। सेकंड टर्म में आपके जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ टर्म वाइज आपका सिलेबस, मतलब फर्स्ट टर्म में आपसे जो है किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, वहाँ से आपके जो है कौन कौन से पोर्शंस इस बार जो है CBSE ने आपके सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा सेकंड टर्म में आपका जो है किस तरीके से सिलेबस आने वाला है, वेटेज क्या रहने वाली है मार्क्स की, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलेगा शुरू कर लेते हैं वीडियो को, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो CBSE बोर्ड से लेकर रिलेटेड को सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से जितनी भी अपडेट्स आती हैं मैं आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल देती रहती हूँ। और इसके अलावा आपका 10th क्लास का जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से आपकी तैयारी अच्छे तरीके से घर बैठे हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस देख लेते हैं हम आपका जो टर्म वाइज न्यू सिलेबस, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम सबसे पहले देख लेते हैं वेटेज। ठीक है, मार्क्स की वेटेज कितनी है। सो गाइस आपकी जो ईच सेमेस्टर में वेटेज रहेगी मार्क्स की वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले जो है आपका रीडिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग सेक्शन टोटल वेटेज होगी इसकी 10 मार्क्स की। ठीक है, देन आपका राइटिंग सेक्शन आएगा, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर, तो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर की जो टोटल वेटेज जो है वो है 10 मार्क्स। इसके बाद जो आपका लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब जो आपकी बुक्स है, बुक्स की जो टोटल वेटेज रहेगी, मतलब वहाँ से जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे टोटल 20 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपका बैठता है गाइस 40 मार्क्स का। और लास्ट में इंटरनल असेसमेंट आपका जो है 10 मार्क्स का और इसमें ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही जो आपके पेपर होंगे वो 50-50 मार्क्स के इस तरीके से होने वाले हैं। 40 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर ये पेपर रहेगा और 10 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। सो गाइस ये तो हमने देख ली है वेटेज इन मार्क्स, अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आपके पूछे जाने वाले हैं। चलिए गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक करके जाएं, और कहीं भी कोई डाउट रहता है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलिए देख लेते हैं अभी आपका सिलेबस क्या है। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ टर्म वन का सिलेबस। ठीक है, तो टर्म वन जो है उसमें सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन आएगा। अब रीडिंग सेक्शन में गाइस आपसे जो है यहाँ पर रीडिंग के लिए पैराग्राफ आएंगे कुछ, जहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल्स यहाँ पर देखी जाने वाली है। सो गाइस रीडिंग स्किल्स के अंदर जो आपके पैसेजेस आने वाले हैं, ये आपके टू पैसेज आएंगी। पहला आपका डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 400 से 450 वर्ड्स। दूसरा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, ठीक है, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 300 से 350 वर्ड। दोनों पैसेज की बात करें गाइस तो आपका पूरा जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका जो है 10 मार्क्स का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे गाइस वो आएंगे आपके MCQs बेस्ड होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये आपके सारे के सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस की चॉइस भी दी जाएगी, 4 ऑप्शन वाले आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर मैंने आपको रीडिंग सेक्शन दिखा दिया है, इसके बाद गाइस आपका जो है राइटिंग एंड ग्रामर वाला जो पोर्शन है वहाँ से देखते हैं किस किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। देन फर्स्ट टर्म में भी आपका जो है राइटिंग स्किल आएगा, तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले आपके फॉर्मल लेटर होंगे बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन। आपके लेटर कौन कौन से हो सकते हैं, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये ऑफिशियल होगा, और लेटर ऑफ कंप्लेंट ये बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके लेटर्स आ सकते हैं, और यहाँ से भी आपके MCQs क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका ग्रामर है गाइस, ग्रामर का जो हम लोगों का जो क्वेश्चंस है, मतलब ग्रामर में से किस किस चीज़ में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंसेस हैं, मोडाल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, डिटर्मिनर है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं। सो ये आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में से आपका जो है इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोर जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब गाइस यहाँ पर सवाल उठता है कि राइटिंग स्किल्स जो है हमारा, जहाँ से आपका लेटर पूछा जाने वाला है, वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मतलब लेटर में से आपको जो है फोर ऑप्शन के जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सो गाइस उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पर CBSE ने कुछ क्लियर चीज़ ये नहीं लिखी है कि लेटर में से किस तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर भी जल्द ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तुरंत मैं आपको यहाँ से अपडेट दे दूंगी। तो ये आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है। ठीक है, तो इसकी भी टोटल वेटेज है आपकी गाइस 10 मार्क्स की।
फर्स्ट टर्म है ये, सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। देन गाइस आपका लिटरेचर है जिसको हम बोलते हैं आपका बुक वाला पोर्शन। तो लिटरेचर में आपको पता है आपकी जो है बुक्स हैं, पहली बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, फिर है आपकी इसके अंदर पोएम्स, और इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी है आपकी बुक। तो इसके अंदर से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा टेक्स्ट टू एज इज इंटरप्रिटेशन यू नो इन्फेरेंस एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं यू नो इंटरप्रिटेशन बेस्ड हो सकते हैं, इंटरफेरेंस एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये भी सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। अब बात करें कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके अंदर से जो अभी आपके यू नो चैप्टर्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर ये आपको टिक भी कर लेना है, आप अपनी बुक के अंदर भी इन चैप्टर्स को टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे चैप्टर सीबीएसई ने इस बार डिलीट भी किए हैं, तो सिलेबस ठीक ठाक तरीके से इस बार आपको दिया गया है। पहला चैप्टर जो है फर्स्ट फ्लाइट का वो है गाइज आपका अ लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको मैं पहले ही ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ, इसके नोट्स भी बनवाए हैं, साथ ही साथ इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेल्सन मंडेला काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो चैप्टर जो इस बार अच्छे अच्छे हैं ना सीबीएसई ने वो आपके लिए रखे हैं, आप बोर नहीं होंगे इन चैप्टर से। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसके अलावा द 100 ड्रेसेस का पार्ट वन और पार्ट टू, तो ये आपके जो 6 चैप्टर हैं इस बार जो है आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट टर्म के लिए करने हैं तैयार। और जब इनको डिटेल में आप पढ़ोगे ना तब इनके एमसीक्यूज आप अच्छे से जो है कवर कर पाओगे। इसके अलावा उस फर्स्ट फ्लाइट के अंदर ही गाइस आपकी कुछ पोएम्स हैं, तो पोएम्स के अंदर से जो आपकी जो पोएम्स हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो, बहुत अच्छी और छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। फायर एंड आइस, ठीक है, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम, चार पोएम है टोटल आपकी जो आपको फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करनी है। अगर डिटेल में इन पोएम्स को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो एमसीक्यूज बिल्कुल आपके जो है ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, ऐसे ही आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से भी। तो ये चैप्टर्स हैं, इनको आप जो है ध्यान से अपनी बुक में टिक कर लेंगे ताकि अच्छे से आपको ध्यान रहे कि चैप्टर आने कौन कौन से हैं, ऐसा ना हो कि आप कोई इधर उधर का मतलब जो नहीं आने वाला वो चैप्टर रीड आउट कर लो या पढ़ लो। तो ये फर्स्ट फ्लाइट होगी, इसके अलावा पोएम्स होगी, फिर आपकी जो दूसरी बुक है गाइस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से बहुत अच्छी बात है केवल 3 ही चैप्टर हैं। पहला है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिसमें यू नो ट्रिकी की कहानी है और बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। द थीफ स्टोरी ये भी अच्छा चैप्टर है, और इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो केवल 3 ही चैप्टर हैं जो अभी फर्स्ट टर्म के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, डिटेल में इनको समझेंगे तभी अच्छे से एमसीक्यूज कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस दिखा दिया है जो टोटल आपका एमसीक्यूज बेस्ड ही होना है। चैप्टर्स अच्छे से आप टिक करके रखिए बुक के अंदर, बाकी आपका सिलेबस बिल्कुल इसको डाउनलोड करके रखो, वीडियो को भी सेव करके रखो ताकि जब कभी तैयारी करने बैठो ना तो फटाफट से पहले सिलेबस देख लो एक बार कि भाई हाँ सिलेबस है क्या। सेकंड टर्म का सिलेबस गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सेकंड टर्म में भी आपका सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, इसके बाद आपका राइटिंग है। रीडिंग के अंदर अगेन सेकंड टर्म में भी आपको क्या होगा, दो पैसेजेस मिलेंगे, पहला वही है आपका 400 से 450 वर्ड्स का डिस्कर्सिव पैसिव होगा, दूसरा केस बेस्ड पैसेज होगा जिसकी वर्ड लिमिट 300 से 350 वर्ड्स है। मतलब आपका जो सिलेबस है ना फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, अगर आप फर्स्ट टर्म पर अच्छे से कमांड कर लेते हो तो सेकंड टर्म बिल्कुल आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो ये पैसेज अगर आपने फर्स्ट टर्म में अच्छे से कर लिए तो सेकंड टर्म में आराम से कवर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके सारे पैसेज यहाँ से सॉल्व अच्छे से करवा दूंगी मैं। इसके अलावा गाइस आपका राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स में जो है आपका फॉर्मल लेटर होगा, और ये हो सकता है लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है गाइस, एनालिटिकल पैराग्राफ है बेस्ड ऑन आउटलाइन चार्ट क्यू मैप रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो एनालिटिकल पैराग्राफ के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि सारी स्कूल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये आपका रीडिंग स्किल्स हो गया जिसमें से आपके दो पैसेजेस आएंगे सेकंड टर्म में, और फिर आपका राइटिंग स्किल्स हो गया जहाँ से आपकी जो है ये लेटर आएगा और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, ये जो है आपका इस तरीके से आने वाली सारी चीज़ें, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर जो है, ग्रामर में आपकी सेम वही टॉपिक है जो फर्स्ट टर्म में थे, मतलब अगर आपने फर्स्ट टर्म अच्छे से पढ़ लिया, अपने टेंसर्स बहुत ईजी हैं, मॉडल्स सब्जेक्ट वर्ब डिटर्मिनर रिपोर्टेड स्पीच कमांड्स एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस, अगर आपने फर्स्ट टर्म के ये सारी चीज़ें ग्रामर सेम है बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड टर्म की, फर्स्ट टर्म अच्छे से कवर कर लिया, सेकंड टर्म आपका कहीं नहीं गया। देन गाइज आपका जो है आता है लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर देखिए सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर्स हैं वो पहला चैप्टर है द ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैडम राइड्स द बस की, और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है चैप्टर, पढ़ने से सुकून मिलता है, बढ़िया चैप्टर है। मतलब द सरमन एट बनारस भी अच्छा चैप्टर है, द प्रपोजल एक प्ले है, काफ़ी मतलब लंबा है और बच्चों को लगता है काफ़ी टफ है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे ना बढ़िया अच्छे समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ फनी इंसिडेंट्स भी हैं इसके अंदर प्रपोजल के अंदर,
ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। फिर इसके बाद आपकी पोएम्स जो हैं, केवल 3 पोएम्स हैं जो आपकी सेकंड टर्म में पूछी जाने वाली है, अमांडा है, एनिमल्स है, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। इन सभी पोएम्स को, इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से टिक करके रखेंगे ताकि आपको पता रहे कि भाई फर्स्ट टर्म लिख लो जो फर्स्ट टर्म में आएंगे, और जो सेकंड टर्म में आएंगे उन पर सेकंड टर्म लिख लो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको पॉइंट्स भी दिखा दिए हैं। फिर लास्ट में गाइज आपका जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है, उसके अंदर जो सेकंड टर्म में चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं, पहला है द मैनकाइंड ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट सॉरी, इसके अलावा द नेकलेस, फिर है द हैक ड्राइवर, और लास्ट द भोली, ठीक है, भोली। तो ये चैप्टर आपके जो है सेकंड टर्म में पूछे जाने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होने वाले, ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप ये पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूरा सिलेबस आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आप फर्स्ट टर्म पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो सेकंड टर्म आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि जो ग्रामर है और जो आपका थोड़ा सा रीडिंग का पोर्शन है वो काफ़ी हद तक फर्स्ट और सेकंड टर्म का मिलता जुलता है। बाकी सिलेबस मैंने शुरू करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर का, और काफी अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियोस यहां से आपको मिलने वाली हैं। फर्स्ट टर्म जो टोटली आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, उसकी तैयारी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। एमसीक्यूज की सीरीज आपको यहां से मिलेगी बिल्कुल, उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। पहले आप चैप्टर को डिटेल में रीड आउट करोगे, समझोगे, एक्सप्लेनेशन को समझोगे, देन उसके आप एमसीक्यूज कवर करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप बहुत बढ़िया और बेहतरीन स्कोर करने वाले हो। सो गाइस, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज छोटा सा लाइक करके जाएं, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके रखें एमसीक्यूज के लिए, और आने वाले आपके कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। और आपका कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, वो आपकी मर्जी है। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।